Hey y'all, come look at this. लेकिन वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है, तो अगर वो जानवर वहाबी ने ज़िबा किया तो ऐसी सूरत में ज़िबा नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम हबीबी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो पेश है पहली कहानी जनाब ताहिरुल कादरी की ज़ुबानी। मेरी अनफियत का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ाऊँ आलम रोया में। अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदारे कायनात के नालेहरे पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आज़म अबू हनीफा से पढ़ा हूँ। 15-20 साल। कादरी साहब ने आलम रोया में इमाम अबू हनीफा से इतनी पढ़ाई की कि खुद ही भूल गए कितनी पढ़ाई की। पहले कहा 15-20 साल, फिर सोचा मैंने थोड़ी लंबी छोड़ दी, या फिर भूल गए होंगे कि मैंने कितनी लंबी छोड़ दी है, तो फिर दूसरे बयान में कहा कि 9 साल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आलम रोया क्या है। तो आलम रोया का मतलब होता है ख्वाबों का आलम, सपनों का आलम। इन्होंने सपने में पढ़ाई की है, ख्वाबों में पढ़ाई की है, हकीकत में नहीं। कल को हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कहेंगे कि हमने भी ख्वाबों में पढ़ाई की है, हमने भी सपने में पढ़ाई की है, हमने भी सपनों में एग्जाम दिए हैं, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? बात तो सही है। खैर, पेश है अगली कहानी जनाब अमीनुल कादरी की जुबानी। किसी ने कहा आपका नाम मोहियुद्दीन कैसे हो गया? फरमाया कि मैं रास्ते से जा रहा था बगदाद की सड़क से, तवज्जो फरमाई, मैं बगदाद की सड़क से जा रहा था, एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ था, जानते ना अधमरा, इसलिए कि मुझे आदत है मैं आपकी लैंग्वेज में गुफ्तगू करना चाहता हूं, आधा जिंदा आधा मुर्दा हा हा कह करा रहा था। लोग उसके पास से गुजरे, उसने किसी को आवाज नहीं दी, इसलिए कि मरीज भी जानता है कि मुझे कौन सा खून चाहिए। गौस पाक को उसने मदद के लिए बुलाया उस अधमरे आदमी ने, और गौस पाक ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया। गौस पाक कहते हैं जैसे मेरा हाथ उसके हाथ में पहुंचा वो उठ के खड़ा हो गया, और जब मरने के करीब था वो तो तंदुरुस्त था। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा तेरे नाना का दीन हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मरने के करीब था, तेरे सहारे की जरूरत थी, तूने सहारा दिया, मैं जिंदा हो गया, सुभान अल्लाह। इसलिए तू मुहय्युद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला है। गौस पाक कहते फिर मैं मस्जिद गया तो मस्जिद का हर नमाजी मुझे मुहय्युद्दीन कह रहा था, मुहय्युद्दीन कह रहा था, मुहय्युद्दीन कह के पुकार रहा था। दीन को जिंदा करने का ये तरीका मैंने पहली बार सुना है, पहली बार देखा है। सहाबा ने दीन के लिए कुर्बानियां दी, सहाबा ने दीन के लिए जाने दी, लेकिन इनके गौसे आजम आए, यूं दीन को पकड़ा, खड़ा किया और दीन जिंदा हो गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। खैर, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।